सो गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड आई एम बैक गाइस। लेकिन मेरा मसला ये हुआ था कि बीच में ना मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम चल रहे हैं और पिछली दफ़ा यूजी की वजह से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाया मैं, लेकिन बंद नहीं कर रहा। एग्ज़ाम की डेट आ गई है और मम्मा ने मुझे बोला कि चैनल यूट्यूब तुमको छोड़ना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे भाई वो इतना दुख भरी कहानी, एक सेकंड। और मम्मा जो शर्त रखी है मेरे सामने कि मोबाइल तुझे मिलेगा लेकिन अच्छा रिजल्ट लाना है, पिछली बार ये भी फेल हुआ हूँ, अच्छा नॉर्मल लाया हूँ, पिछले तो कम लाया हूँ, यानी कि पिछले में अच्छा रिजल्ट आता था। तो मम्मा ने बोला है तुमको मोबाइल जब मिलेगा जब तुम अच्छे मार्क्स लाओगे। तो मैंने उनको बोला है कि यूट्यूब में बंद नहीं कर सकता क्योंकि यूट्यूब एक मेरे लिए बन गया है चीज़, मैंने इस पर बहुत मेहनत करी है। मैंने मिड टर्म में मेहनत करी थी, मिड टर्म में इतना अच्छा रिजल्ट ला नहीं पाया, ये नहीं फेल हुआ, अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाया, मैं पहले से अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाया उसमें। अम्मा बोला ये फाइनल है, अगर तुमने तो इसमें कुछ गलती कर दी तो फिर तुमको तो मोबाइल मिलेगा, जो तुम्हारा मोबाइल है वो कुछ नहीं जाएगा तुमसे। सबसे पहले बात भाई मेरे लिए प्रे करो, दुआ करो कि मैं पास हो जाऊं और आपके साथ जुड़ा रहूं। मैंने बोला कि मैंने शुरू से लगे थे मैं करी चैनल के अंदर और मैं भूल नहीं सकता कि मैंने इतनी मेहनत करी और 60 पे पहुँचा। 60 में कहा मां आगे जाकर मैं इसे अर्निंग भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको अगर बंद कर दिया तो मसला आ जाएगा इतना बड़ा। तो मैंने सोचा है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल बंद नहीं कर सकता, इसको तो मैं बंद करूँगा तो बहुत वो हो जाएगा अंदर से। तो मम्मा ने मुझे बोला है कि बंद ना करो लेकिन तुमको थोड़ा ब्रेक चाहिए। तो मैंने आपसे थोड़ा ब्रेक मांग रहा हूँ वापस, मेरा मोबाइल सही हो गया है, मेरी मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो डाल पाऊँ। मेरा मोबाइल मैंने देख लिया और सोच का मसला था, मैं मेमोरी कार्ड डाल के सही कर दिया है, लेकिन अब नया मोबाइल लूँगा ना वैसे ही। तो उसमें मैंने बोला नया मोबाइल चाहिए तो फिर इसको तुमको करना पड़ेगा। मैं कहा नहीं इसको मैं कुछ बेचूँगा नहीं, ये भी रखूँगा। मैं कहा ठीक है फिर तुमको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने। मैंने कहा ठीक है, मैं कहा अच्छे मार्क्स मैं ला सकता हूँ, कोशिश करूँगा लाने की पूरी, लेकिन उस पर भी मामा जब बोला यूट्यूब छोड़ दो तो मैं वो तो छोड़ नहीं सकता। मैंने बोल दिया अम्मा को मैं यूट्यूब में छोड़ूंगा नहीं, मैं कभी कभी एक दो वीडियो डालूंगा लेकिन मैं पाबंदी से नहीं डाल सकता। अब मैं मेरे ट्यूजडे से स्कूल खुलेंगे तो मैं जाऊँगा, तो पता नहीं मैं कब वीडियो डालूँ कब वीडियो नहीं डालूँ। अगर मैं देर तक ब्रेक ले रहा हूँ आपसे बल्कि खुदा के वास्ते मेरे चैनल बंद था फिर भी आपने सब्सक्राइब कराया मेरे, थैंक यू शुक्रिया। लेकिन अब मैं समझ में मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। यूट्यूब चलाना मामा ये तो सही बोल रही है कि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो यूट्यूब को तो 2-3 दिन के लिए कर लो साइड पे, तो बंद मैंने नहीं कर सकता। मैंने सोचा है कि मैं इसको थोड़ा ब्रेक दूंगा, मैं इसको पिछली वीडियो में बोल चुका हूँ मोबाइल का मसला, लेकिन अब तो मम्मा बोल रही है कि मोबाइल का मसला नहीं है तो हमारी पढ़ाई का मसला है। तो मैं पिछली बार मेरे एग्ज़ाम हुए थे तो मैंने स्कूल से आते ही वीडियो बनाना शुरू कर देता था, यहाँ तो 4 या 5 बजे मैं वीडियो बनाना शुरू कर देता था, कभी पबजी की कभी किसकी। मैंने इतनी मेहनत करी है कि रात को जब खाना लगता था मैं उस वक्त वीडियो बना रहा था, मैं खाना नहीं खाया था, एक दिन मैंने खाना नहीं खाया था, लेकिन उसके बाद से ना मैंने पाबंद नहीं हो पाया इस चीज़ का। तो अगर मैं लंबा ब्रेक मांग रहा हूँ आपसे तो मैं एग्ज़ाम के बाद तक आपसे ब्रेक मांग रहा हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करो मेरे साथ। सपोर्ट कर लो ताकि मैं फिर आपके लिए अच्छे सब्सक्राइब लाऊं और सब चीज़ अच्छी चीज़ लाऊं, तो प्लीज़ सपोर्ट।
और मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है और सब कुछ, उन्होंने मेरा कुछ बहुत कुछ करा है। तो बस यही बोलना था। तो आज के वीडियो में इतना ही, और ब्रेक में आपसे ले आऊँ थोड़ी लंबा करा लंबा जब तक एग्जाम नहीं होते मैं ब्रेक लूँगा, या थोड़ी बहुत बीच में आई थिंक वीडियो डालूँ कि ना डालूँ कुछ नहीं पता मेरा। तो है मामा से परमिशन लेकर 2 दिन वीडियो डाल दूँ मैं, कुछ नहीं पता। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। प्रेयर करना मैं पास हो जाऊँ, ठीक है? पास हुआ हूँ पिछले में भी, लेकिन अच्छे रिजल्ट नहीं आया था नॉर्मल। वो जो पिछले मैं APSC लाता था वो नहीं आया था, उसमें मेरा कहानी हुई थी। तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ और प्रे करो कि मैं अच्छे नंबर से पास हूँ, ताकि फिर मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोज लाऊँ और अच्छी कैमरा क्वालिटी और व्लॉगिंग अच्छा कुछ आ जाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो प्लीज़ प्रे कर।